तो नेक्स्ट सेक्शन ही सेक्शन सी। सेक्शन सी का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या आपका, लेट ए बी अ सेट, एक सेट है आपका ए जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं 1 और 2। फिर आपको एक सेट और गिवन है बी, और इस सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 2, 4 और 6। फिर आपको फंक्शन गिवन है, अब फंक्शन क्या है, लेट एफ इज इक्वल टू, देखो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट जो है सेट ए को बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है सेट ए को, और सेकंड एलिमेंट जो वाई है वो किसको बिलोंग कर रहा है सेट बी को, एंड फिर आपको क्या कहा जा रहा है वाई वाई इज ग्रेटर देन 2x+1। अब आपको कहा जा रहा है राइट एफ एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, पहले तो उसको देखिए आपको एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है भैया, एक्स और वाई का रिलेशन गिवन है आपको, इसको देखिए आपको बताना है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, तो बताओ जी क्या बनेगा, सिंपल सी बात है एक्स की आप वैल्यू पुट करोगे स्टार्टिंग में, ये एक्स है ना, एक्स इसको बिलोंग कर रहे, तो सबसे पहले मैं एक्स की जगह क्या पुट करूंगा भैया, आपको कहा जा रहा है वाई इज ग्रेटर देन 2x+1, तो पहला एलिमेंट जो मैं एक्स से ले सकता हूँ वो क्या है 1, तो मैंने एक्स की जगह रखा 1, तो ये क्या बन जाएगा 2 × 1 = 2, 2 + 1 = 3, तो एग्री करते हो 3। अब 3 से बड़ा y में क्या क्या है, 4 है ना, तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, x मेरा अगर x क्या था 1, x 1 है तो y की जगह क्या आएगा 4, जब x 1 होगा तो मैं यहाँ इस रिलेशन के हिसाब से y की जगह क्या आ सकता है 4, पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है आगे चलो। अब मैं x की जगह, अच्छा और क्या आ सकता है 3 से बड़ा और क्या 6 है, तो जब x की जगह 1 है तो y की जगह क्या आ जाएगा 6, यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है आगे चलते हैं। और मैं x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ 2, तो मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, जैसे मैंने 2 पुट किया 2 × 4 + 1 = 5, अब 5 से बड़ा b है में क्या है 6, तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, अगर x 5 है तो y की जगह क्या हो सकता है 6, कहने का मतलब ये है कि 4y वाला जो है आपका एक्स जगह क्या पुट किया था 2, हाँ जी 2 पुट किया था, जो भी एक्स जगह पुट किया था वो वैल्यू, यानी कि इस वैल्यू पे वाई की वैल्यू ये बनती है, इस वैल्यू पे पुट करके वाई की वैल्यू ये बनती है, यानी कि ये कितना है 5, तो 5 से बड़ा 6 होगा, इस वैल्यू को अगर मैं एक्स जगह पुट करता हूँ तो जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से फिर वाई की वैल्यू ये बनती है, तो ये मेरे ऑर्डर पेयर आ गए, ये मेरे क्या आ गए ऑर्डर पेयर आ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट, विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन ये आपका ऑर्डर पेयर बनेगा, इतना तो कर लिया हमने। अब आगे क्या कहा जा रहा है, शो दैट एफ इज ए रिलेशन बट नॉट ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब देखो जी ए टू बी ये आपका सेट ए है, सेट ए में क्या है 1 और 2, ये आपका सेट बी है, सेट बी में क्या है 2 4 6 2 4 6, ठीक है, अगर आप इस ऑर्डर पेयर को देखो तो 1 के साथ क्या 4, 1 के साथ क्या 6, 2 के साथ क्या 6, अब रिलेशन तो बन रहा है, रिलेशन बन रहा है ना, ए टू बी दिख रहा है हमें कि इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, भैया जो इसका एक्स एलिमेंट है 1 और 2, ये वाई एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहे, ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है, जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, और सेकेंड एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं सेट बी को, ठीक है, From the above arrow diagram, we can say that f is a relation, ये f relation तो है, तो इसमें आपको यही कहा गया है, शो दैट f इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन, इसी से आप कह सकते हो, अब इसी के बेसिस पर, फ्रॉम अबव एरो डायग्राम एलिमेंट 1 फ्रॉम सेट ए हैज 2 डिफरेंट इमेजेस
टू डिफरेंट इमेजेस, दो अलग अलग इमेजेस है ना एलिमेंट वन की, इन सेट बी। और कौन सी इमेजेस है? दैट इज फोर एंड सिक्स, फोर एंड सिक्स। देयरफॉर एफ इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज फंक्शन में क्या होता है कि हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होती है, बिकॉज एलिमेंट इन सेट ए कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज, कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन था, बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x+1 <3 6x+1। बोलो जी, पहला स्टेप क्या करें? यहाँ थोड़ा सा अपोजिट लेके चलो, क्योंकि देखो एक्स तो मुझे सेंटर में चाहिए। पहले आप क्या करो, तीनों को ही x+1, वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय x+1। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? x+1 से। तो इसको करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, सीधा समझ में आ रहा है। इसको करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 (x+1). और इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x+1 से कैंसिल हो गए, ये भी कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर आया था? ठीक है, अभी हो गया 4 < 3 × x, क्या 3x + 3 = 3 < 6। क्या हो गया जी, 6। अब क्या करें, सभी को 3 से माइनस, पहले 3 का हटाना है ना, सबट्रैक्टिंग 3, तो 3 से क्या कर दोगे, माइनस। तो ये हो जाएगा 4 - 3 < 3x = क्या हो जाएगा, 3। अब मुझे यहाँ पर x चाहिए, 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1, तो सीधा लिखूँ 1, ये हो गया जी 1। अब सभी को 3 से डिवाइड करो, किससे डिवाइड कर दो, 3 से, तो ये हो जाएगा 1/3 > क्या हो जाएगा, x, और > क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब लीनियर इनइक्वालिटी है, वो क्या कह रही है, या तो इसको यहीं छोड़ दो, बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्लियर है आंसर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट पी द सम ऑफ हुज डिस्टेंस इज फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल टू 10। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट पॉइंट पी बी क्या होगा, एक्स वाई जेड। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पॉइंट पी का जो ए से डिस्टेंस है और पॉइंट पी का जो बी से डिस्टेंस है, इसका सम कितना है, 10। और पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 4 0 0। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4 0 0। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो जी ध्यान से, पी ए प्लस पी बी, अब देखो क्या करना है आपको, पी ए की वैल्यू क्या होगी, पी ए ध्यान से देखो, क्या कैन आई राइट इट एज एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस वाई माइनस जीरो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और जेड माइनस जीरो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। ये तो पी ए की वैल्यू हो गई, प्लस पी बी, पी बी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या हो गया आपका, नहीं, इक्वल टू क्या हो गया आपका, 10। इसका हो गया इक्वल टू में क्या हो गया, 10। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इक्वल टू 10, ये पूरी वैल्यू को अगर मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, नाउ अब ऐसा क्यों किया वो भी बता देता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करता तो ये स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये इजी हो जाएगा कंपेयर टू दिस वैल्यू। ठीक है, तब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
अब ध्यान से देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कुछ ऐसे ही तो करोगे, ऐसे करोगे ना, तो ए स्क्वायर 100 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, 2 टेन जा 20 और b आपका एज इट इज हो जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर होगी बात, ठीक है। अब देखो जी, इसको जब आप सॉल्व करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, ये बात क्लियर है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नाउ ये क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8x, क्या हो गया माइनस 8x, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ये 4 था या y था, 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या 16 प्लस 8x, ये होगा आपका प्लस, फिर क्या रह गया माइनस 20, और ये वैल्यू होगी आपकी x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ कुछ कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल, 16 से आपका 16 कैंसिल, प्लस 8x यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 8x, तो वो हो जाएगा माइनस 16x, प्लस 100 यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 100, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई डाउट, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस 4, अगर मैं माइनस 4 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4x प्लस 4 2 जा 8 4 5 जा 20 इक्वल टू माइनस 20, और ये क्या हो जाएगा जी x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 वन जा 4 4 5 जा 20, अब डायरेक्टली तो ये होगा नहीं, अब दोबारा क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्लियर हो गया। अब स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या 25, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा विद इन ब्रैकेट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ, ले रहे हैं तक, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया a प्लस b होल स्क्वायर दैट इज 16x स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर कितना हो गया आपका 625 प्लस 4 टू जा 8 25 इंटू 8 8 5 जा 40 8 टू द 16 और 4 20, तो कितना हो गया जी 200x इक्वल टू 25। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ, दे रहे हैं सर, ठीक है। अब पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या हो गया 16x स्क्वायर प्लस 200x प्लस 625 इक्वल टू 25x स्क्वायर देन 8x 25 एट जा 200, तो ये हो गया 200x। चलो ये तो सही चीज़ दिखाई दे रही है, 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 25 इंटू 16 16 5 जा 80 16 टू जा 32 और 8 4, तो कितना हो गया जी 400, कितना हो गया 400। यहाँ तक क्लियर है कहानी, ठीक है। अब देखो 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर 200x 200x कैंसिल, बाकी क्या रह गया 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर 400 माइनस 625 माइनस 225
माइनस 225 इक्वल टू जीरो एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन इज शो दैट, व्हाट वी हैव टू शो, शो दैट 0.07 चलो जो पॉइंट है इनको हम ए बी सी ले लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को क्या ले लेते हैं, ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 7, 10। सेकंड पॉइंट को ले लेते हैं बी -1, 6, 6 और थर्ड पॉइंट को ले लेते हैं सी -4, 9, 6। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको शो करना है ये जो गिवन पॉइंट्स है, ये जो गिवन पॉइंट्स है, लेट द पॉइंट्स बी, लेट ए बी एंड सी बी द गिवन पॉइंट्स। पहले ऐसे लिख लेते हैं लेट ए बी एंड सी बी द गिवन पॉइंट्स, क्योंकि आपने लेट किया तो पहले इसको लिखो कि भैया ये मान लेते हैं कि जो गिवन पॉइंट्स है वो ए बी और सी है। अब आप शो पर आओ कि आपको शो क्या करना है। तो व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलस ट्राइंगल। तो हमें शो करना है ए बी एंड सी, ए बी और सी ये जो पॉइंट है आर द वर्टिसेस ऑफ, आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलस राइट ट्राइंगल। अब इसमें दो चीजें हैं अलग अलग, एक आइसोसेलस यानी कि ट्राइंगल की दो साइड से इक्वल होनी चाहिए, दूसरा राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का मतलब पाइथागोरस थ्योरम एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो आइसोसेलस और राइट ट्राइंगल, अब क्या करोगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी फाइंड करो, क्योंकि राइट ट्राइंगल के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी होगी, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, और आइसोसेलस के लिए एनी टू साइड्स शुड बी इक्वल। तो पहले ए बी फाइंड करते हैं नाउ। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा जी, ए बी -1, -0 होल स्क्वायर, एग्री करते हो, -1, -0 होल स्क्वायर, देन 6, -7 होल स्क्वायर प्लस 6, -10 होल स्क्वायर, 6, -10 होल स्क्वायर, सॉरी क्लियर है यहां तक। माइनस वन का स्क्वायर क्या 1, फिर -1 का स्क्वायर 1 और -4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया √18। √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√2, तो ये हो गया आपका 3√2। तो ये भी क्लियर हो गया, यानी कि ये भी जो साइड है इसकी मेजरमेंट आ रही है 3√2 कुछ गिवन, तो यानी तो यूनिट लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे, यूनिट। अब ए बी के बाद क्या आएगा आपका बी सी, ए बी के बाद क्या आएगा आपका बी सी, ये क्लियर हो गया बी सी। तो अब बी सी क्या होगा जी, बी सी तो -4, -4+1 होल स्क्वायर प्लस 9-6 होल स्क्वायर प्लस 6-6 होल स्क्वायर, इसमें कोई डाउट है तो बताओ जी, ले रहे हैं तक। -4+1, -3, -3 का स्क्वायर 9, 9-6, 3, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 0, तो ये भी √18, 3√2 यूनिट, कितना आ रहा है 3√2 यूनिट। अब क्या फाइंड करोगे, ए से बी, बी से सी, सी से ए, अब हम फाइंड करेंगे सी ए। तो सी ए में क्या होगा, सी ए तो ये x2 बनेगा, 0 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा 0+4 होल स्क्वायर, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। फिर क्या होगा 7-9 होल स्क्वायर, तो 7-9 होल स्क्वायर प्लस 10-6 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 10-6 होल स्क्वायर, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक। अब ये बताओ मुझे, अब ये किसके इक्वल होगा, देखो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 7-9 -2, -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया जी 4, 10-6 4, 4 का स्क्वायर 16, 32+4 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, 32 का स्क्वायर रूट 6, ये हो गया 6 यूनिट। अब आप देखो आइसोसेलस तो दिख रहा है मुझे, आइसोसेलस दिख रहा है, ठीक है। नाउ अब मैं इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम कर रहा हूं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3√2 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3√2 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया जी 18,
ये कितना हो गया 18, तो कितना आ गया 36। और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ सी ए स्क्वायर, तो ये हो गया 6 स्क्वायर, तो ये हो गया 36। तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर एंड ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू, या फिर पहले आप इसी को लिखो, इसी का कंक्लूजन लिखो, सी ए स्क्वायर, तो ये क्या होगा, देयर फोर ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। पहले तो राइट ट्राइंगल कहोगे, क्या कहोगे, राइट ट्राइंगल, वाई बाय कन्वर्स ऑफ, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम एग्जिस्ट हो रही है आपकी, समझ में आ गया, ठीक है। ऑल्सो कौन सी साइड्स इक्वल है हमारी, ए बी और बी सी, ऑल्सो इन ट्राइंगल ए बी सी जो यहाँ पे बनेगा आपका, ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयर फोर इट इज एन, इट इज ऑल्सो एन आइसो सेलस ट्राइंगल। तो ओवरऑल अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या कहोगे, हैंस हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसो सेलस राइट ट्राइंगल। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी रेज टू पावर एन। देखो एक्सपेंशन क्या है आपका, ए प्लस बी रेज टू पावर एन, ये आपका एक्सपेंशन है। और आपको कहा जा रहा है इसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है वो किस किस के इक्वल है, तो पहले इसको थ्री टर्म्स तक एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, बाय बायनोमियल थ्योरम, बाय बायनोमियल थ्योरम, बाय बायनोमियल थ्योरम, क्या आप एग्री करते हो ए प्लस बी रेज टू पावर एन, बताओ जी किस किस के इक्वल होगा, एन सी जीरो, ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर जीरो फर्स्ट टर्म, प्लस एन सी वन, ए रेज टू पावर एन माइनस वन, बी रेज टू पावर वन, प्लस एन सी टू, ए रेज टू पावर एन माइनस टू, बी रेज टू पावर टू। ये होगी फर्स्ट टर्म, ये होगी आपकी सेकेंड टर्म, और ये हो गई आपकी थर्ड टर्म। अभी जितना उसने कहा उतना आपने कर दिया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब वो क्या कह रहा है, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन आर, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो किसके इक्वल है, यानी कि एन सी जीरो, ए रेस टू पावर एन, बी रेस टू पावर जीरो, ये किसके इक्वल है जी, 729 के इक्वेशन वन ले लेते हैं। सेकेंड टर्म किसके इक्वल है, यानी कि एन सी वन, ए रेस टू पावर एन माइनस वन, बी रेस टू पावर वन, ये किसके इक्वल है जी, 7290। इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। थर्ड एन सी टू, ए रेस टू पावर एन माइनस टू, बी रेस टू पावर टू, ये किसके इक्वल है आपका, 30375। इसको हम ले लेते हैं थर्ड, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ a रेस टू पावर n जो है वो 729 के इक्वल है, से क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है। अब एन सी वन, एन एन सी वन तो n होगा, तो ये हो गया जी आपका n इंटू ए रेस टू पावर n माइनस वन इंटू बी, यही आएगा, ये किसके इक्वल है जी, 7290, से क्वेश्चन नंबर फाइव। एन सी टू को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ये होगा एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल और एन माइनस टू फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड करूंगा तो एक्सपेंड करके क्या आएगा, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आएगी, तो ये हो गया आपका एन एन माइनस वन बाय 2 इंटू ए रेस टू पावर एन माइनस टू बी रेस टू पावर 2 इक्वल टू 30375, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, यहाँ तक क्लियर है सारी कहानी, ठीक है। अब आपको इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ए बी एंड एन, ओके। अब एक काम करो, सबसे पहले
देखो इसको और इसके बीच में अगर मैं फोर्थ इक्वेशन को सिक्स के साथ क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई, तो मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फोर विद इक्वेशन सिक्स। अब इससे देखो क्या होगा, जब फोर और सिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट वी विल हैव, ये तो देखो आपका हो गया एन, या इसको मैं सीधा लिख लेता हूं, ये हो गया एन स्क्वायर माइनस, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, या भी ऐसे लिख लो एन एन माइनस वन, ये ऐसे होगा अपॉन में टू। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया ए रेस टू पावर एन माइनस टू, बेस सेम है तो प्लस में क्या हो जाएगा एन, प्लस में क्या हो जाएगा एन, तो ये हो गया जी ए रेस टू पावर टू एन माइनस टू होगा, ए रेस टू पावर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर, ये आपका एज इट इज आ गया बी स्क्वायर, और ये हो गया आपका 729 इंटू 30375। यहाँ तक कहानी क्लियर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे b है और यहाँ पे b स्क्वायर है, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये भी 2 इंटू एन क्या हो जाएगा 2n माइनस टू। तो पहले काम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 5। मैंने क्या कहा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 5, इसकी दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, और ये टू ए रेस टू पावर क्या हो जाएगा 2n-2। समझ में आ रहा है 2n-2, ठीक है। इसको तो ले लो इक्वेशन नंबर 7, और ये हो गया आपका बी स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका बी स्क्वायर, ये क्लियर हो गया, और अपॉन में क्या आ गया 7290, क्या हो गया 7290 इंटू 7290 से इक्वेशन नंबर 8, क्या हो गया इक्वेशन नंबर 8। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब क्या करोगे, डिवाइडिंग, अब एक काम करो डिवाइडिंग इक्वेशन 7 बाय इक्वेशन 8, थोड़ा समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी आपका n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर, n इंटू 1 क्या हो जाएगा n बाय 2, और ये हो जाएगा a रेस टू पावर 2n-2 इंटू में b स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन में ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज n स्क्वायर a रेस टू पावर 2n-2 इंटू बी स्क्वायर, ये आएगा इक्वल टू में, ये हो जाएगा आपका 729 इंटू 30375, और ये हो जाएगा आपका 7290 इंटू 7290। ये बात समझ में आ गई, ये तो कैंसिल होके हो गया सीधा 10, ये आपका कैंसिल और ये भी आपका कैंसिल, तो एक चीज क्लियर हो गई। अब इसको सॉल्व करके मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी n की, इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी n की, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, देखो इसको मैं अपॉन में वन कर देता हूँ, अपॉन में वन, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस n बाय टू, इसको रेसिप्रोकेट करके क्या आएगा 1 बाय n स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो गया 30375 अपॉन 7290, ठीक है। अब देखो जी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप यहां से अगर मैं n कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ n कॉमन, कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया n n माइनस वन अपॉन 2n² इक्वल टू क्या हो गया 30375 अपॉन 7290। नाउ व्हाट वी विल हैव, ये हो गया आपका n माइनस वन अपॉन n इक्वल टू 30375 इंटू 2 अपॉन 7290, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब 5 से करें पहले, पहले 2 से काट लेते हैं, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, 1 0 2 5 10 और 0, और कितना हो गया जी 2 1 2, ठीक है। अब 3 6 4 5, और यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, 3 6 4 5, 5 से करोगे तो 5 5 25, 5 4 20 और 2, 22 6 5 30 और 2, 32, 5 3 15 और 3 18, नहीं हो रहा, तो 5 से काटते हैं इसको,
तो आप इसको 5 से करोगे तो क्या आएगा, 5 7 जा 35, 1 4, 5 2 जा 10, 4 5 9, 1 मिनट, 5 7 जा 35, 1 4, 5 2 जा 10, 4 5, 5 9 जा 45 और 0, ये क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30, दो एक साथ आएंगे तो 0, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर 5 से ले लो, 5 1 जा 5, 6 7 22, 5 4 जा 20, 2 9, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, और ये क्या हो जाएगा आपका, 5 1 जा 5, 1 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 3 4 जा 12, 0, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 25, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, फिर 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 1 0, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 1 8, 1 8, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, और किस पर जाएगा, 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, और बताओ जी, 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई आपके पास, n माइनस 1 बाय n इज इक्वल टू 5 बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 5n इक्वल टू 6 इंटू n, 6n माइनस 6 होगा, 6n माइनस 5n क्या होगा, n माइनस 6 उधर ले जाओगे तो कितना आ गया 6, तो अब n की वैल्यू 6 आ गई। अब ये दो इक्वेशन हमारी आई थी, फर्स्ट टर्म को इक्वेट करके फोर्थ इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू आई थी उसको जब हमने सॉल्व करा था, फोर्थ इक्वेशन ये बनी थी, फिफ्थ हमारी यही बनी, ठीक है। अब ये जो n की वैल्यू आई, अगर मैं इसको यहाँ से पुट करता हूँ, पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 4, पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा जी, a रेज टू पावर 6, ये आपको पता है 3 की पावर 6 होता है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 3, ये यहाँ पे पुट कर दो, पुट n की जगह क्या पुट कर दो, 6, a की जगह क्या पुट कर दो, a की जगह 3 इन इक्वेशन 5, तो n की जगह 6, a की जगह 3, फिर n की जगह 6 माइनस 1 कितना 5, इंटू b इक्वल टू 7290 एवरी कर दो, ठीक है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 7290, अब 3 रेज टू पावर 5 कितना होता है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 27 तो हो गया 3 रेज टू पावर 3, 27 को अगर मैं 9 से करता हूँ तो 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 और 6 तो 243, 243 को 6 से कर दो, अब मैं 243 को 6 से करता हूँ तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 1 25, 6 2 जा 12 और 2 14, 145, तो 1458 से आप इसको डिवाइड, 1458 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो अगेन देखो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 5 18, 3 पर जाएगा तो ये हो गया 3 2 जा 6, 1 4, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 0, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 और 3 6 जा 18 होगा, अब 6 दिखाई दे रहा है 0 दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको 5 पे ट्राई करूं तो 6 5 जा 30, 8 5 जा 40 और 3 43, 5 4 जा 20 और 24 हो गया, तो किस पर चला गया ये 5 पर, तो b कितना हो गया आपका 5, तो इसका मतलब a 3 b 5 एंड 6, ये आपका क्वेश्चन था, क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन इज एन ऑप्शनल क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 29, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजिंग अ बाइनोमियल थ्योरम, आपको कहा जा रहा है बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके आपको एक्सपेंड करना है x प्लस वाई रेज टू पावर 5 प्लस x माइनस वाई रेज टू पावर 5, ये आपका क्वेश्चन है, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले तो इसको एक्सपेंड करना है आपको और फिर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पहले तो इसको पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, पहले क्या करते हैं इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, अब मैं आपसे ये आपको ये कहा जा रहा है कि भैया बाइनोमियल थ्योरम का यूज करो और x प्लस वाई रेज टू पावर 5 x माइनस वाई रेज टू पावर 5 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, क्या हो जाएगा जी 5c 0, x की पावर
पहले एक्स वाई लिख लेते हैं, कहां तक जाएगा ये, फाइव सी वन एक्स इंटू वाई, फाइव सी टू एक्स इंटू वाई, फाइव सी थ्री एक्स वाई, फाइव सी फाइव एक्स, फाइव सी थ्री, फाइव सी फोर एक्स इंटू वाई प्लस फाइव सी फाइव एक्स इंटू वाई। ये आपका फर्स्ट वाला ब्रैकेट है ये। अब फर्स्ट सॉरी जो फर्स्ट नंबर है उसकी पावर मैक्सिमम, पहले फाइव फिर फोर थ्री टू वन जीरो, और ये जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव, गो डाउट। आगे क्या है, प्लस। अभी आपने क्वेश्चन प्रीवियस आई थिंक इसी पेपर में किया आपने, ए प्लस रूट फाइव प्लस आई थिंक टू रेज टू पावर फोर था, ऐसे कुछ था, होल पावर फोर था। उसमें मैंने आपको बताया था अगर बी जो होता है नेगेटिव है तो ओड वाली सारी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि जिसमें वाई की पावर ओड है वो सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएगी। तो पहली टर्म तो यही रहेगी, फाइव सी जीरो एक्स रेज टू पावर फाइव वाई रेज टू पावर जीरो, लेकिन यहाँ वाई की पावर ओड है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, माइनस फाइव सी वन एक्स रेज टू पावर फोर वाई रेज टू पावर वन प्लस फाइव सी टू एक्स रेज टू पावर थ्री वाई रेज टू पावर टू, अगेन वाई की पावर ओड है तो सिंपल सी बात है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस तो आगे वाली माइनस फाइव सी थ्री, और रीजन क्या है, क्योंकि वाई की पावर ओड है, माइनस वाई रेज टू पावर थ्री माइनस में ही आएगा। अब ये अगेन पॉजिटिव क्योंकि y की पावर इवन है, तो 5c4 x रेस टू पावर 1 y रेस टू पावर 4, और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट x आप खोलोगे तो मैं डायरेक्टली कैंसिल कर दूं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो ओड वाली पावर है वो सारी कैंसिल, ये भी कैंसिल इसके साथ, और y की पावर 3 कैंसिल y की पावर 3, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस y रेस टू पावर 5 y रेस टू पावर 5 कैंसिल। अब बाकी जो भी टर्म्स बचे सारी 2 2 हैं, तो सीधा 2 क्या ले लो, कॉमन 2 आपने कॉमन ले लिया, तो 5c0 को क्या लिखोगे, 1, बेसिकली ये होगा x रेस टू पावर 5, एग्री करते हो, प्लस 5c2, तो 5c2 को सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, तो इसको एक्सपेंड करोगे 5 4 3 फैक्टोरियल, तो 3 से 3 कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल 2 2 2 जा 4, तो 5c2 क्या होता है 10, तो ये हो गया 10 x रेस टू पावर 3 y रेस टू पावर 2। फिर आता है आपका बचता क्या, 5c4 ncr इक्वल टू ncn माइनस r, तो ये 5c1 के इक्वल होगा जो आपका क्या होता है 5, तो ये हो गया 5 x y रेस टू पावर 4, बस ये आपकी वैल्यू आई है, आगे नहीं। अब आपको कहा जा रहा है इसको एक्सपेंड करने के बाद, फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, आपको ये कहा जा रहा है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है रूट टू प्लस वन, तो आप एक काम करोगे पुट एक्स इक्वल टू रूट टू एंड वाई इक्वल टू वन, तो आपके पास रूट टू प्लस वन रेस टू पावर फाइव प्लस रूट टू माइनस वन रेस टू पावर फाइव, इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी वैल्यू, ये इक्वल टू टू एक्स की जगह रूट टू रेस टू पावर फाइव प्लस टेन, फिर एक्स की जगह रूट टू रेस टू पावर थ्री, वाई की जगह तो वन ही आएगा, प्लस क्या आ जाएगा फाइव रूट टू, और वन की पावर कुछ भी लिखूंगा वन ही आएगा, तो ये आपका वन ही आएगा, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब रूट टू रेस टू पावर फाइव, देखो जी इसको मैं ले सकता हूँ रूट टू रेस टू पावर फोर इंटू रूट टू, क्योंकि ये वन बाय टू होगा, टू टू जा फोर, तो ये तो हो गया टू, तो ये आ गया टू रूट टू, ये समझ में आ गया, ये कितना आ गया टू रूट टू प्लस टेन, इसको भी ले सकता हूँ टू रूट टू, ये भी आ गया जी टू रूट टू, और ये आ गया फाइव रूट टू, तो टोटल कितने रूट टू हो गए, टेन टू जा ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस टू ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन टू जा फिफ्टी फोर, तो टोटल फाइनल आंसर क्या आ गया 54 रूट टू, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रूट टू के पावर फाइव को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया ना, पावर फोर, भाई बेस सेम है पावर प्लस ही तो होती है,
और रूट टू का मतलब क्या हो गया, टू की पावर वन बाय टू इन टू फोर, तो टू टू जा फोर, तो टू रेस टू पावर टू कितना हो गया, फोर, तो फोर रूट टू। अच्छा ये कह रहे हो क्या, हाँ ये फोर रूट टू आएगा, ये क्या आएगा फोर रूट टू। अब देखो दोबारा, फाइव प्लस ये कितना हो गया, ट्वेंटी प्लस फाइव, ट्वेंटी फाइव और फोर ट्वेंटी नाइन, तो ट्वेंटी नाइन रूट टू, ट्वेंटी नाइन टू जा फिफ्टी एट, फिफ्टी एट रूट टू, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फिफ्टी एट रूट टू। क्वेश्चन नंबर थर्टी, इफ इफ ए प्लस आयोटा बी, इफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा अपॉन सी माइनस आयोटा, वेयर सी इज अ रियल नंबर, प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, एक तो ये आपको प्रूव करना है, एंड बी बाय ए इज इक्वल टू टू सी बाय सी स्क्वायर माइनस वन, टू सी बाय सी स्क्वायर माइनस वन, ये आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन ठीक है। देखो ये पहले मैं इसको उठा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन वन ले रहा हूँ, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड, ऑफ बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा जी, सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, ये होता है ना, तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b इक्वल टू, ये हो जाएगा c माइनस आयोटा अपॉन c प्लस आयोटा, इसको ले लो क्वेश्चन टू। नेक्स्ट स्टेप, यस, मल्टीप्लाइंग वन एंड टू, इसको ऐसे करोगे, डायरेक्टली कर रहा हूँ, ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बी स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई, इक्वल टू में आ जाओ, सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी सी स्क्वायर प्लस वन, कैंसिल होके क्या आ गया, वन, ये वाला पार्ट तो आपका हो गया, तो डाउट यहाँ तक मेरे यहाँ तक, ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगेन फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन आपको गिवन है a प्लस आयोटा b इक्वल टू c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा, मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, c प्लस आयोटा अपॉन c प्लस आयोटा, कोई डाउट तेरे अंदर, तो क्या आप एग्री करते हो कि a प्लस आयोटा b किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, अब एक्सपेंड करो ध्यान से देखना, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या माइनस वन, ठीक है, प्लस टू ए बी, तो क्या लिखूं, टू सी आयोटा, ये क्लियर हो गया जी, अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, अभी किया था क्या आया था, सी स्क्वायर प्लस वन, क्या आया था, सी स्क्वायर प्लस वन। अब आपको पता है हम न्यूमरेटर को क्या कर सकते हैं, स्क्वायर, तो इसको, ये तो पूरा रियल पार्ट दिखा है, ये इमेजनरी वाला, तो मैं इसको ले सकता हूँ a प्लस आयोटा b इक्वल टू, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन प्लस आयोटा टू सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन, एग्री करते हो, कंपेयर करो, कंपेयर, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, तो जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आपका आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन, और b आपका आ जाएगा टू सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन, पानी क्लियर है, ठीक है। अब ये वैल्यू फाइंड करनी है, अब इस पर आते हैं, नाउ नाउ b बाय a, b बाय a, b की जगह क्या लिखोगे, टू सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन, और एक ही जगह क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन, तो ये तो कैंसिल, तो फाइनली b बाय a क्या आ गया आपका, टू सी अपॉन, क्या यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना, तो ये भी प्रूफ, ये भी प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड, पानी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट एंड देयर कॉम्प्लीमेंट प्रूव दैट, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, टू प्रूफ, to prove, what we have to prove, that a union b minus c equal to a minus c union b minus c, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है।
तो वो सिंपल सा कंसेप्ट बताऊंगा, ध्यान से समझना। इसको समझने के लिए एक मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ। ये क्या आपका सेट ए और ये क्या आपका सेट बी, ये इसका कॉमन पार्ट होता है। जब मैं आप अगर मैं आपसे क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है जो अनशेडेड है ये ए माइनस बी है, और क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ए माइनस बी है ये किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से इसको देखो और बताओ हाँ या ना। ये भैया पूरा बी है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये वाइट वाला पार्ट, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया बी वाला सारा सेट छोड़ दो तो एग्री कर दो, तो ये ब्लू वाला पार्ट और ए ये पूरा ए और इसमें बी कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन तो यही वाला पार्ट हुआ ना, तो क्या आप एग्री करते हो कि ए माइनस बी जो है वो इस वैल्यू के इक्वल होता है। ये इस चैप्टर ये इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया आपको तो फिर मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ दूँ। एग्री करते हो इस चीज़ से? वही तो मैं कह रहा हूँ, उतना बड़ा खींचने से अच्छा है ये चीज़ समझ में आ गई तो डायरेक्टली अभी क्वेश्चन को दो स्टेप में करके दिखा दो। अगर इसी समझ में आ गई तो उसने कहा ना प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी ये यूज़ होगी, उसने बोला है भाई क्वेश्चन में यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट। कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली प्रॉपर्टी। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, यूजिंग ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एग्री करते हो? ठीक है। अब देखो ये आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, योर लेफ्ट हैंड साइड इज ए यूनियन बी माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो मैं यहाँ पर ए की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, मैं इसको मान रहा हूँ इस प्रॉपर्टी का ए और इसको मान रहा हूँ इस प्रॉपर्टी का बी। अब बताओ इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये किसके इक्वल होगा, ए ए तो ये क्या है ए यूनियन बी, तो ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी होगा। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि सी कॉम्प्लीमेंट, समझा गया? तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। एग्री करते हो? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताया। अब इसके हिसाब से अगर इस फॉर्म में इसको लिखना हो तो क्या लिखोगे, ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस सी होना चाहिए यूनियन, लो जी हो गया क्वेश्चन, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आ गया? हैंस और इसी के साथ सेक्शन सी कंप्लीट। दिस इज फॉर टुडेस क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।